टू द चैनल, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप के बारे में। तो जब से एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ है तो लोगों की काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे एशिया कप के क्वालिफाई मैचों के बारे में। तो वो स्टार्ट हो रहे हैं 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त। तो आप नाम सुन लो कौन कौन सी टीम इसमें हिस्सा ले रही है। सबसे पहले यूएई, सिंगापुर, कुवैत और हांगकांग, ये जो चार टीमें हैं इनमें से एक एक क्वालिफाई करेगा। जो भी क्वालिफाई करेगा वो मेन ग्रुप में जाएगी। मेन ग्रुप में भी दो ग्रुप बने हैं, एक हो गया इंडिया पाकिस्तान का एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप है श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश। एक टीम जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में और एक टीम जाएगी श्रीलंका और बांग्लादेश वाले ग्रुप में। तो इस बार आई थिंक, मेरे को लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के आपको दो मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम कि ये जो क्वालिफाई मैचेस हैं ये शिफ्ट हो गया है कुवैत में। इसके जो सारे मैचेस हैं वो कुवैत में ही आपको देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं हम मेन ग्रुप्स वाले मैचेस की। तो मेन ग्रुप वाले जो मैचेस हैं वो पहले होने थे श्रीलंका में, तो श्रीलंका की कोई एमरजेंसी हो गई थी, उस वजह से ये मुकाबले शिफ्ट हो गए यूएई में। वैसे ये जो टूर्नामेंट का होस्ट है वो श्रीलंका ही करेगा, बट जो मेन जगह है वो यूएई में खेली जाएगी। तो यूएई में पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी है क्योंकि उनका जो होम ग्राउंड है। तो देखते हैं 28 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा मुकाबला है। तो सबसे बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों का ही होता है, तो देखते हैं कौन बाजी मारता है। तो यही जो अपडेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए और जो इसका जो शेड्यूल है वो भी मैंने आपको साइट पे दिखा दिया है कि कौन कौन से मैचेस कब से। तो 20 अगस्त से ये मुकाबले स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस यही अपडेट एशिया कप का मैं लेके आया था। तो अगर आपको इस एशिया कप के और भी अपडेट चाहिए और अपडेट पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो पहले जाइए सामने लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज की वीडियो में बस यही था। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।